हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। वैसे आज वाले वीडियो में मैं आपको अपना कॉलेज दिखाऊंगी कि कॉलेज कैसा है अंदर से बाहर से। वैसे एडमिशन भी स्टार्ट हो गई है, तो अगर किसी का नंबर आया है इस कॉलेज में, लाइक किसी को अलॉट हुआ है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ये जो मैंने गेट दिखा है वो मेन एंट्रेंस है कॉलेज हॉस्पिटल का। वहाँ से मेन एंट्रेंस के राइट साइड पर है ये कॉलेज वाली बिल्डिंग, और उसके अगर हम लेफ्ट साइड में जाए तो हॉस्पिटल वाला बिल्डिंग है। और ये हमारे हॉस्पिटल का पीछे वाला हिस्सा है, क्योंकि आगे फर्स्ट ईयर वालों को अलाउड नहीं है, तो मैंने बस पीछे से लिया। अगर आप मेरे से पूछोगी कि कॉलेज कैसा है, तो पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट फ्लो के अकॉर्डिंग कॉलेज बहुत अच्छा है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि यवतमाल के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे गाँव है, और ये सेंटर है, एक ही हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर सारे पेशेंट्स मिलेंगे, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा। अभी ये है कॉलेज का एंट्री पॉइंट, यहाँ से हम कॉलेज बिल्डिंग में एंटर करते हैं। कॉलेज में एंटर करते ही यहाँ पे वेटिंग एरिया मिलता है, आप वेट कर सकते हो किसी के लिए फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिर बाद में यहाँ से लेफ्ट साइड में आता है स्टूडेंट सेक्शन, मतलब स्टूडेंट्स के जो भी काम होता है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, सारे इधर ही होता है। अभी न्यू एडमिशन्स के जो काम होंगे वो भी इधर ही होंगे। बाकी ग्राउंड फ्लोर पर मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी हम फाइनल ईयर में जाते जाते बहुत सारे सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, और कॉलेज में लाइक ऐसा होता है कि अपने अपने सब्जेक्ट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, तो वैसे ही ग्राउंड फ्लोर पे अपने अपने डिपार्टमेंट्स है, लाइक माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, जो मुझे अभी पता नहीं है क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में नहीं होते। मुझे इतना पता है कि फर्स्ट फ्लोर पर एनाट वाला डिपार्टमेंट है, सेकेंड फ्लोर पर बायोकेमिस्ट्री और फिजियो का डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे सारे बाद वाले डिपार्टमेंट्स हैं। और कॉलेज बिल्डिंग इतनी बड़ी और कंफ्यूजिंग है कि आप सबको फाइंड आउट करने में कि कौन सा रास्ता कहाँ पे जाता है, कहाँ पे क्या है, इस सब में ही 2-3 महीने चले जाएंगे। लिटरली मुझे खुद कंफ्यूज होता है अब तक के कॉलेज का किधर से क्या है। बाय द वे ये सब तो पता चल ही जाएगा 5 साल में। और हाँ, यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लेक्चर हॉल्स भी है। अभी फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो हमारे यूज़ में बस 3 लेक्चर हॉल आते हैं। उसमें से एक लेक्चर हॉल ग्राउंड फ्लोर पे है और दूसरा वाला है सेकेंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे हमारा बायोकेमिस्ट्री और एनाट के लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर हॉल्स काफ़ी बड़े हैं, ये 200 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, क्योंकि हमारे कॉलेज में 200 सीट्स होती है। वैसे इस साल से कॉलेज की सीट्स कम हो गई है, अभी बस 150 स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, पता नहीं क्यों कम कर दिए। वैसे लेक्चर हॉल्स काफ़ी बड़े और कन्वीनियंट है, और हमारे क्लास में एक नॉर्मल बोर्ड और एक प्रोजेक्टर भी मिलता है जो टीचर अपने अकॉर्डिंग यूज़ करता है। अगर कोई टीचर को PPT से पढ़ाना है तो वो प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, या फिर कोई टीचर नॉर्मल बोर्ड भी यूज़ करते हैं। इसके बाद में ये है सेकेंड फ्लोर वाला लेक्चर हॉल, जहाँ पर फिजियो के क्लासेस होते हैं मोस्टली, क्योंकि सेकेंड फ्लोर पर फिजियो का डिपार्टमेंट भी है। ये भी अगेन 200 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, और ऊपर वाले हॉल में आपको AC मिलेगी, नीचे AC नहीं है, आई डोंट नो वाई, बट ऊपर AC है। ये भी काफ़ी बड़ा है, 200 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है ये भी। अगेन यहाँ पर भी प्रोजेक्टर है, और ये स्टेयर्स, ऐसे स्टेयर्स लाइक लिटरली 4-5 जगह से है जो सेम डेस्टिनेशन पे जाते हैं, सारे सेम दिखते हैं। हमें ये फाइंड आउट करने में 2-3 महीने ज़रूर चले जाएंगे कि कौन से स्टेयर्स से जाएंगे तो कौन सा डिपार्टमेंट पास में आएगा, कब जाएंगे, कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि लिटरली सारे सेम हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, दिखने में डिफरेंस नहीं है, ना डायरेक्शन में डिफरेंस है, ऐसे ये सब पता चल ही जाएगा। और अब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हमारा है रिसेप्शन हॉल। ऐसे मैंने बाहर से थोड़ा सा वीडियो बनाया है क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है फोन। बाद में ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा शॉट ले लिया, क्योंकि मैं इंडिविजुअली वीडियो नहीं ले सकती अंदर जाके, ऑब्वियसली वहाँ पर टीचर्स होते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हॉल है, वैसे सेम हिस्टोलॉजी का भी प्रैक्टिकल हॉल है, बस हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोप होते हैं, और ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोप ख़राब है या स्टूडेंट्स को माइक्रोस्कोप नहीं मिल रहे, कॉलेज काफ़ी अच्छा है, पर 2 स्टूडेंट्स में 1 माइक्रोस्कोप होता है जो प्रॉपरली वर्किंग होता है। तो जो सब रूमर्स होते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में सब अच्छा नहीं होता, अकेडमिक्स अच्छे नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता ये सब मेरे कॉलेज के लिए ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर लेक्चर्स भी काफ़ी अच्छे से होते हैं, प्रैक्टिकल्स उससे ज़्यादा अच्छे से होते हैं, तो सारे एस्पेक्ट से कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने कॉलेज को भूल भुलैया क्यों बोल रही थी। देखना, ये सारे जगह से सेम दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे 4 रास्ते हैं जो सेम है,
अभी आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा रास्ता कहाँ पे जाता है अंटिल आप यहाँ पे 3-4 महीने रह चुके हो। एंड दिस इज हाउ माई कॉलेज लुक्स फ्रॉम 2nd फ्लोर। काफ़ी सुंदर दिखता है कॉलेज। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये कॉलेज की फ़ोटो जो मैंने गूगल से ली है, और ये हॉस्पिटल की फ़ोटो ये भी मैंने गूगल से ली है, क्योंकि यहाँ जाना अलाउड नहीं है फर्स्ट ईयर वालों को। अगर आपको कॉलेज रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।